मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो बता दिया था क्या? कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा? हाँ सर बता दिया था। क्या होता है बताओ? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही होता है क्या? हाँ सर। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ये क्या है? कैपेसिटेंस है किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बताया था क्या कि जो ये कैपेसिटेंस बनती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसमें अगर हमें कैपेसिटेंस को बढ़ाना होता है, अगर हमें कैपेसिटेंस को बढ़ाना होता है तो हम क्या कहते हैं, ए बाई डी का रेशियो जो है वो क्या करते हैं, इसे हम बढ़ाते हैं, है ना? इस रेशियो को हम क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं, ठीक है? तो इस रेशियो को इंक्रीज करने से हमारा जो कैपेसिटेंस है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर आप प्लेट का एरिया ज्यादा ले लो और उनके बीच का डिस्टेंस अगर आप बहुत कम ले रहे हो तो उस केस में हमारा क्या होगा कि जो कैपेसिटेंस है हमारी वो बढ़ जाएगी, है ना? ये होगा ना। तो ये सारी चीजें थी बेटा, इन सब चीजों के बारे में बात करी थी हमने। आओ एक आधे सवाल कराता हूँ मैं आपको, है ना? जैसे देखो, एक आधे सवाल करते हैं पहले तो, ठीक है? पहला सवाल क्या है कि हमारे पास एक ऐसी प्लेट है, ठीक है, कुछ ऐसी प्लेट है तो, ठीक है बेटा, इस तरह की हमारे पास क्या है, दो प्लेट्स हैं। ये वाली लेंथ में कह रहा हूँ ए है, ये वाली लेंथ में कह रहा हूँ बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी दे रखी है अपने को, ये वाली सी दे रखी है, ठीक है? आपको क्या कैपेसिटेंस बताना है, ठीक है? बता एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई सी। बहुत बढ़िया। इसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई सी। इसका कैपेसिटेंस जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, इसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई सी। कैसे लिख दिया हमने यार ये? तो एरिया जो होगा इस प्लेट का वो कितना होगा बताओ, ए बी, है ना? कैसा है ये, मतलब रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं तो एरिया हो गया ए बी, और जो डिस्टेंस डी हो गई वो कितनी हो गई, सी हो गई। और हम फॉर्मूला हम जानते हैं, जानते हैं क्या बेटा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, है ना? क्या होता है फॉर्मूला बताओ, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ से हमारे पास जो कैपेसिटेंस आ गई, कैपेसिटेंस की वैल्यू वो ये आ गई। अच्छा, एक और रद्दी सा सवाल कर लेते हैं बेटा, छोटा सा बिल्कुल, है ना, कि मैं थोड़ी सी थोड़ा ये पता लग जाए कि कैपेसिटेंस जो होता है वो कैसा होता है। मान लो कि ये हमारे पास डिस्क है बेटा दो, ठीक है, ऐसी, ठीक है, इनके बीच की दूरी अपने को दे रखी है कितनी, x, दूरी कितनी रखी है x, और ये जो डिस्क है इसका जो रेडियस है वो कितना है बताया आपको, ठीक है? अब बताओ इसका कैपेसिटेंस होता, चलो r² / x। बहुत बढ़िया। जो कैपेसिटेंस आएगी इसकी वो कितना आएगी बेटा, ऐसे तो हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहाँ पर ये है कैसा, सर्कुलर है ना, तो एरिया जो होगा वो क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो कैपेसिटेंस हमारा हो गया क्या चीज, देखो एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या चीज, ठीक है? तो इस तरह से ये सब आसान सवाल है बेटा, ये सब हम सॉल्व कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने को। अब थोड़ी सी एक आधी बातें करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में क्या होता है, है ना? हमने पढ़ा था क्या बेटा थोड़ा सा पिछली बार, है ना, डेराइव वगैरह किया था हमने, याद है आपको? बोलो आ जाओ बात करते हैं, एनर्जी कैसे स्टोर हो रही है कैपेसिटर में। देखो मान लो कि मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये दोनों प्लेट्स हैं बेटा, ये दोनों मेरे पास क्या है, प्लेट्स हैं, ठीक, और मैंने क्या करा है, ये जो हमारे प्लेट्स हैं इसे हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी के थ्रू, ठीक है? बैटरी जो है हमारी वो कुछ ऐसी है, है ना? तो यार एक बात बताओ, अगर मैंने इसे इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक, तो यहाँ पर जो ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लो मैं कह देता हूँ, ठीक है,
अब एक बात था बेटा कि इसके ऊपर चार्ज होगा इन दोनों प्लेट्स के ऊपर, जैसे मान लो मैं कह देता हूँ इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज होगा और इसके ऊपर कितना चार्ज होगा क्यू, तो जो एनर्जी स्टोर हो रही है यहाँ पर कैपेसिटर में वो कहाँ हो रही है, बीच में स्टोर हो रही है क्या बताओ, क्योंकि ये वाला एक प्लेट जो हमारा वो नेगेटिवली चार्ज है, एक प्लेट जो हमारा वो कैसा है पॉजिटिवली चार्ज है। बहुत बढ़िया। तो बेटा अगर मैं चार्ज की बात करूँ, जैसे मान लो कि हमारे पास ऐसे हमने ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है, ठीक है, तो मैं थोड़ी सी आपसे एक आधी बात पूछ लेता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास ऐसे दो प्लेट्स हैं, ऐसे मान लो कि हमारे पास क्या है बेटा, दो प्लेट्स हैं, ठीक है, एक के ऊपर चार्ज क्यू है और एक के ऊपर चार्ज माइनस क्यू है, तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं क्या, मतलब अंदर कितना होगा बाहर कितना होगा, बोलो क्या हम निकाल सकते हैं अंदर इस प्लेट के अंदर कितना चार्ज होगा, इस प्लेट के अंदर कितना चार्ज होगा, निकाल सकते हैं। कैसे बताएंगे बताना, क्या होगा कैलकुलेट कर सकते हो क्या? अच्छा मैंने तुम्हें ये चीज बताई होगी बेटा कि जैसे मान लो कि अभी तो चलो दो ही प्लेट है, अगर तीन प्लेट होते चार प्लेट होते तो जो टोटल चार्ज का जो सम होता है उसका हाफ इधर वाले पे होता है और उसका हाफ इधर वाले पे होता है, ये बात करी थी हमने, याद है आपको, बताया सर इलेक्ट्रोस्टैट करवा रहे जो, बिल्कुल बताया था। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना बेटा देखो, क्यू और माइनस क्यू कितना हो गया जीरो, तो इधर वाले प्लेट पर चार्ज कितना जीरो और इधर भी चार्ज कितना जीरो, तो जो ये प्लस क्यू चार्ज है ये कहाँ, इधर अंदर की तरफ होगा, बोलो। हाँ सर। और जो माइनस क्यू चार्ज है वो भी अंदर की तरफ होगा। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो अगर सारा चार्ज अंदर ही है तो अब बताओ कि यहाँ यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ, अगर सारा चार्ज अंदर ही है बेटा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ सर। ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमें निकालना क्या है बताना, एनर्जी स्टोर्ड, हमें क्या करना है एनर्जी स्टोर्ड के बारे में बात करनी है ना बेटा। हम कैसे निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड, हम कैसे निकालते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है बेटा, दो तरीके हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड निकालने के, देखो कौन से है ना। मैं कह देता हूँ कि ये जो प्लेट है इसका एरिया ए है और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, डी है ना, ये वाली जो दूरी अपने को दे रखी है ये वाली, ये कितनी है स्मॉल, ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात अपने को, नहीं आ रही बताओ। आ रही है सर। बहुत बढ़िया। तो ये वाली दूरी अपने को इन्होंने दे दी कि ये वाली दूरी डी है, प्लेट्स जो है उनका एरिया है क्या चीज ए, और ये क्या नाम है वी वोल्ट की बैटरी से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। अच्छा बेटा एक बात बताओ कि यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी होती है, हमने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बेटा, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ये होती है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पे अगर मैं पूछूं तुमसे तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कहाँ है, इधर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं पर स्टोर्ड है, मतलब इस एरिया में इन दोनों प्लेट्स के बीच में जितनी भी एनर्जी है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही स्टोर्ड है। तो अगर आप एनर्जी डेंसिटी की बात करोगे तो एनर्जी डेंसिटी तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गई, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा, कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू क्या है क्यू बाई ए, तो ये हो जाएगा क्या चीज क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर यही होगी क्या क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट इन दोनों के बीच में, बताओ। हाँ सर। तो अब बताओ कि अगर मुझे इस एरिया में एनर्जी निकालनी, मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर मुझे एनर्जी स्टोर्ड की बात करनी है कि कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कहता हूँ बेटा कि अगर मुझे एनर्जी स्टोर्ड निकालना है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, तो क्या मैं एनर्जी स्टोर्ड को ऐसे लिख सकता हूँ, देखना एक बार ध्यान से, अगर एनर्जी स्टोर्ड की बात मैं कर रहा हूँ तो एनर्जी स्टोर्ड क्या मैं लिख सकता हूँ, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बोलो लिख सकते हैं सर। एनर्जी स्टोर्ड को मैं एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया। तो इन दोनों प्लेट के बीच का जो वॉल्यूम है वो कितना है, एरिया इनटू डी। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं एनर्जी स्टोर्ड निकालता हूँ, देखो क्या लिखा हूँ, निकालूंगा
एनर्जी स्टोर्ड अगर मैं निकालूं तो एनर्जी डेंसिटी अपने को दे रखे कितनी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो हाफ इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर और ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। हां सर बहुत बढ़िया, क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू वॉल्यूम कितना बेटा, ए बाय ए इनटू डी, ए इनटू डी, बहुत शानदार हो गया ये। तो ए से एक उड़ गया और एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, बहुत शानदार ये नहीं पड़ गया। तो अब जो हमारे पास वैल्यू है एनर्जी स्टोर्ड की वो कितनी है बताओ, हाफ क्यू स्क्वायर डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया, एनर्जी स्टोर्ड है हमारे पास हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इसे कुछ और भी लिख सकता हूँ, पता है क्या, मैं इसे लिख सकता हूँ कि हाफ को रख लूं, क्यू स्क्वायर को भी रख लूं और d over a epsilon naught को इधर थोड़ा अलग रख लो। तो ये बेटा क्या तुम्हें 1 upon c के जैसा लग रहा है क्या, epsilon naught a by d? हाँ सर 1 upon c है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा q square by 2c, q square by 2c बताओ। हाँ सर। और मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि हम ऐसी फोटो कब बनाते हैं, जब स्टेडी स्टेट के बाद वाली फोटो है ना ये, एकदम से रजिस्टर हटाते ही। हाँ सर बिल्कुल, जब मतलब ऐसा होगा कि जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा उसके बाद की फोटो हम बना रहे हैं। तो इसलिए ये जो Q है, जो चार्ज इसके ऊपर आ रहा है Q, Q वो कितना होगा बताना, Q max होगा सर, ये Q max होगा। बहुत बढ़िया, Q max तो होगा, तो इस Q की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ बताना, Q बराबर CV। हाँ सर CV लिख सकता हूँ, जहाँ C कैपेसिटेंस है तो Q सीवी में लिख ही सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है ये। तो फिर तो हमारे पास जो हाफ ये Q square by 2C जो आया फॉर्मूला, ये किसके लिए, एनर्जी स्टोर्ड के लिए आया ना। एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड का बेटा, पता है क्या, देखो एनर्जी स्टोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो इसका एक और फॉर्मूला हमारे पास हो सकता है, Q को मैं सीवी पुट कर सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू सी, तो एक सी यहाँ से भी निपट गया, क्या बना बेटा हमारे पास बताओ, हाफ सी। समझ आई ये बात सबको, ये हमारे फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोर्ड के, ठीक है। तो फॉर्मूले देखो बेटा, ऐसे मेनली अपने को फॉर्मूला ही ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला जो है उसे ही ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी ये प्रूफ कई बार ये होता है कि बीच में एक और प्लेट लगाते हैं, डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं, ये वो, तो उस केस में क्या होता है कि जब मुश्किल सवाल आता है ना हमारे पास, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है यहाँ से वहां तक, तो फिर उस केस में जो तुम एनर्जी लिखोगे वो कैसे लिखोगे बताओ। अब मान लो कि मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है इस प्लेट से उस प्लेट तक के बीच, तो उस केस में फिर तुम एनर्जी स्टोर्ड कैसे लिखोगे बताओ। मान लो कि कोई ऐसा प्लेट है जिसमें यहाँ पे जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैरी कर रही है, सोच के देखो एक चीज एक बार, कि ऐसा सवाल बनाया जा सकता है हमारे लिए, है ना, कि जो यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो एरिया है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रही है। जैसे अभी तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट है, कॉन्स्टेंट है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है, कांस्टेंट है, तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तो एक बार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये कांस्टेंट नहीं होती है, मान लो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल होती है, तो फिर कैसे सॉल्व करो, बताओ। बताओ बेटा कैसे सॉल्व करोगे, मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे रखी है क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये तो चलो कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ना बेटा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, तो हम क्या करेंगे कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट अगर हम जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कोई एक बीच में एक्स पे जाके कुछ डी एक्स का एलिमेंट ले लेंगे मान लो, ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, किसका, डी एक्स का, ठीक है। और फिर उस डी एक्स एलिमेंट का क्या हम छोटा सा वॉल्यूम डी वी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकल जाएगा छोटा सा वॉल्यूम डीवी। तो जो एक्स तुम्हें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें गिवन होगी वो एक्स का फंक्शन तो गिवन होगी ऑब्वियसली, तो तुम क्या करोगे, ये एनर्जी डेंसिटी जो होगी उस जगह पे वो कितनी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगी वहां जितनी, ठीक है, यहाँ एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी स्टोर्ड, जो छोटी सी एनर्जी जो स्टोर होगी उस छोटे से एरिया में वो क्या लिखोगे, एनर्जी डेंसिटी इंटू छोटा सा वॉल्यूम। और फिर क्या करोगे उससे, लिमिट प्रॉपर लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो।
हाँ तो ऐसे करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा ये तो चलो बेटा एक तरीका था एनर्जी स्टोर निकालने का, ठीक है। एक और तरीका बताता हूँ तुम्हें मैं, एनर्जी स्टोर कैसे निकालते हैं हम। और भी एक तरीका है हमारे पास, जैसे मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लो कि हमारे पास ये दोनों प्लेट्स हैं बेटा, ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स को हमने क्या करा, हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। हमने क्या करा बेटा, इस तरह से हमने इन प्लेट्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, तो वैसे तो हमें इसे किसी रेसिस्टर से कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना, मतलब यहाँ पे एक रेसिस्टर भी होना चाहिए जिससे हमने इसे कनेक्ट किया है ना। तो ये चार्ज हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ये भी है, तो ये जो हमारा कैपेसिटर ये चार्ज हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा बेटा, यहाँ से वो आ रहा होगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज और इधर कहीं डिपॉजिट हो रहा होगा, है ना, इधर से चार्ज आ रहा होगा और इधर डिपॉजिट, यही चीज हो रही होगी, बिल्कुल बोलो, यही चीज हो रही होगी ना, एक जगह से एक प्लेट से चार्ज आ रहा होगा और दूसरे प्लेट पर डिपॉजिट हो रहा होगा, यही चीज हो रही होगी ना। तो मैं अगर तुमसे ये कहता हूँ, जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इस वाले प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले प्लेट के ऊपर क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मान लो कि मैं ये कह रहा हूँ कि किसी टाइम टी पर इस पर चार्ज है क्यू और इसके ऊपर चार्ज है माइनस क्यू, किसी टाइम टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसी टाइम टी पर, मतलब उस टाइम टी पर, और ये भी, या फिर मैं ये कह देता हूँ कि टाइम टी पर ये ऐसी कुछ सिचुएशन है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहां से डी क्यू चार्ज, यहां से क्या चीज, कितना बेटा, डी क्यू चार्ज जो है वो ये लेके जा रही है बैटरी और यहाँ पर इसे छोड़ रही है, ठीक है। डी क्यू चार्ज लेके क्या हो रही है बैटरी, यहाँ से जा रही है और यहाँ पे छोड़ रही है। अब बताओ कि जो डी क्यू चार्ज है वो यहाँ से गया और फिर वापस यहाँ पर आ गया, तो जो इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी डैश, वो कितना होगा अभी के सिचुएशन में, बताओ मुझे अभी के सिचुएशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में। देखो तो बैटरी तो हमने लगाई है बेटा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, लेकिन प्लेट्स का जो, प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो अभी वी डैश होगा, क्योंकि अभी ये फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि किसी टाइम टी की बात कर रहे हैं ना हम, जिस टाइम टी पर इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्यू और इसके ऊपर चार्ज माइनस क्यू है, ये मैं किसी जनरल टाइम टी की बात कर रहा हूँ बेटा, बताओ। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये डी क्यू चार्ज है ये यहाँ से घूम के यहाँ पहुंचा रहा है, कौन, बैटरी, यहाँ से लेके यहाँ पर पहुंचा रही है बैटरी। तो जो वर्क डन होगा बेटा छोटा सा इस डी क्यू चार्ज के लिए, वो जो छोटा सा वर्क डन होगा डी क्यू, वो कितना होगा बताओ, सॉरी डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू जो छोटा सा वर्क डन होगा वो कितना होगा बताओ मुझे, ये एक इस प्लेट से लेके और दूसरे प्लेट तक लेके जाने में जो पोटेंशियल वो छोटा सा वर्क डन होगा वो कितना होगा बताओ, डी क्यू इंटू वी डैश, हाँ सर यही होगा। डी क्यू इंटू वी डैश होगा, क्यों, क्योंकि आपने चार्ज को एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल, मान लो कि अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल जीरो कह देता हूँ ना, तो यहाँ का पोटेंशियल तुम वी नहीं कह पाओगे, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो चार्जिंग हो रही है वो कैसे हो रही है बेटा, यहाँ पर एक रेसिस्टर भी है ना, ये जो चार्जिंग हो रही है कैसे हो रही है, यहाँ पर एक रेसिस्टर भी है अभी, बिल्कुल, तो यहाँ से ये चार्ज आ रहा, तो यहाँ का पोटेंशियल तुम भले ही वी लिख दोगे, लेकिन अब यहाँ का पोटेंशियल क्या लिखोगे, ये भी तो हो ही नहीं सकता सर, कुछ और ये तो होगा। हो ही नहीं सकता, ऑब्वियसली वी से कम होगा क्योंकि करंट तो फ्लो हो रही है बेटा इधर, है ना, करंट तो फ्लो हो रही है, तो यहाँ का पोटेंशियल वी तो आप लिख नहीं सकते। अगर यहाँ पर पोटेंशियल वी है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना लिखना पड़ेगा तुम्हें, वी डैश लिखना पड़ेगा मान लो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों, ये जो दोनों प्लेट्स हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है बेटा, वी डैश है, ठीक है। अब ये जो वी डैश है, ये वी डैश होगा कितना, कितना होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रही है क्या, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कैसी, कुछ ऐसी, बोलो, यही है ना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ऐसी ही है ना, लेफ्ट टू राइट, बोलो। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो यहाँ का पोटेंशियल ऑब्वियसली ज्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी होगी कितनी, स्मॉल क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, हाँ सर,
बिल्कुल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगी वो क्या होगी, अगर मैं कह देता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है अभी, तो ई की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी बेटा बताओ? मोल क्यू टाइम्स एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस जानना है इन दोनों के बीच में तो क्या होगा बताओ? डेल्टा वी की वैल्यू अगर मैं निकालू, या फिर डेल्टा वी की जगह मैं वी डैश ही लिखता हूँ उसे, है ना, वी डैश की वैल्यू में क्या लिखूंगा बेटा? क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये क्या होगा ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है। क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट मतलब कितना बेटा? क्यू बाई सी। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इन दोनों के बीच में वो कितना हुआ? क्यू बाई सी। तो अगर डी क्यू चार्ज को मैं लेके जा रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह, तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा छोटा सा वर्क, वो कितना पड़ेगा बताना? कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा? डी डब्ल्यू जो होगा वो Q by C into dQ. बोलो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है बेटा वर्क डन, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। तो dW is equal to Q by C into dQ, ये चीज तो लिख दी मैंने। अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो मैं क्या करूंगा बताना? इस dW को क्या मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा? बिल्कुल। तो मतलब यहाँ से मैं इसे चार्ज को क्या करूंगा बेटा? इंटीग्रेट करूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो बस क्यू है, सी तो कांस्टेंट ही, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। तो यहाँ पर जो मैं लिमिट पुट करूंगा वो कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक कह देता हूँ, ठीक है। और कैपिटल क्यू जो है वो कौन सा चार्ज है? कैपिटल क्यू है मैक्सिमम चार्ज। कैपिटल क्यू जो है वो क्या है बेटा? मैक्सिमम चार्ज है, ध्यान रख रही है। मैक्सिमम चार्ज कब होता है? जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। बिल्कुल, जितना पोटेंशियल डिफरेंस तुमने अप्लाई किया है उतना पोटेंशियल डिफरेंस अब कैपेसिटर के अक्रॉस भी आ गया। देखो पहले पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया था वो अलग था, और जो कैपेसिटर के ऊपर आ रहा था वो भी अलग है, है ना। कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो धीरे धीरे बढ़ के एक टाइम आएगा जब ये वी के बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ रही है बेटा बात अपने को? नहीं आ रही बताओ? आ रही है सर। बहुत बढ़िया। तो जो हमारा छोटा सा वर्कडन है डी डब्ल्यू वो क्या होगा? देखो ये हो गया क्यू बाई सी डी क्यू। तो टोटल वर्कडन निकालने के लिए हम क्या करें? इंटीग्रेशन जीरो से क्यू डी डी डब्ल्यू। तो जो टोटल वर्कडन है वो कैसे निकालू बताओ? इंटीग्रेशन क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, और इसकी लिमिट कहाँ? जीरो से लेके क्यू तक। तो ये सीधा सीधा बेटा देखो वन बाई सी बाहर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू अंदर है, इसकी लिमिट जीरो से कैपिटल क्यू। तो जो वर्कडन आएगा टोटल वो कितना आ जाएगा बताओ? क्यू स्क्वायर बाई टू। तो वर्कडन अगर आ गया हमारे पास तो अब तो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड भी आ गई, है ना। एनर्जी स्टोर्ड जो है वो कितनी आ गई देखो, वो भी क्या क्यू स्क्वायर बाई टू से आ गई बताओ बेटा जल्दी से। एनर्जी स्टोर्ड क्या आ गई हमारे पास? क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ठीक है। और वही वही चीज दोबारा से, अगर एनर्जी स्टोर्ड आ गई हमारे पास तो एक फॉर्मूला अगर क्यू स्क्वायर बाई टू से आ गया तो दूसरा फॉर्मूला भी तो हम निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे? क्यू को सी वी के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड आएगी वो कितनी आएगी बताओ? हाफ सी, ठीक है। तो बेटा देखो यही ये जो दो फॉर्मूले ये वैसे मेन है हमारे पास। ऐसे अगर आप बात करो तो एक तीसरा फॉर्मूला भी होता है ना, कि जो सी वी है उसे क्या करोगे क्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? ये हाफ इंटू क्यू इंटू वी, लेकिन वो बहुत ज्यादा काम में आता नहीं है तो इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। बाकी आप कर सकते हो, है ना। अगर आपको सिर्फ चार्ज पता हो और पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो आप क्या करोगे? कैपेसिटेंस अगर आपको मालूम नहीं पता हो तो आप क्या करोगे? जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो क्या होगी? हाफ क्यू वी हो जाएगी। देखो कैसे कैसे हो जाएगी हाफ क्यू वी? देखो ये एनर्जी क्या है? हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। तो इसे तुम क्या लिख सकते हो? हाफ इंटू सी वी इंटू वी, और सी वी क्या है? क्यू। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू क्यू इंटू वी। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है बेटा एनर्जी स्टोर्ड का, लेकिन बहुत ज्यादा यूज में नहीं आता हमारे, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ आई है? बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत है? सर आपने क्या कैसे कर दिया बताओ? ये बात सबको समझ आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सबको आई है ना बेटा समझ में बात? हाँ सर। ओके बहुत बढ़िया।
देखो हमें क्या बताना है, हमें बताना है एनर्जी स्टोर्ड बताना है जब 4 10 माइक्रोकूलम से 30 माइक्रोकूलम। मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि किसी टाइम पर क्या हो रहा है बेटा कि इसके ऊपर चार्ज मान लो है माइनस क्यू और इसके ऊपर चार्ज है क्यू, यही होगा इसके ऊपर चार्ज माइनस क्यू इसके ऊपर चार्ज क्यू। उस समय अगर तुम डी क्यू को लेके जाओगे इस जगह से उस जगह पे तो तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी बताओ, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, ये होगा छोटा सा वर्क डन है ना। हाँ सर बिल्कुल। तो अगर अपने को टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या लिखेंगे हम बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाई सी डी क्यू। बहुत बढ़िया, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। और जो क्यू की लिमिट लिखोगे वो कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, 10^-5 से 3 × 10^-5 तक। हाँ सर बहुत बढ़िया। तो जो हमारा वर्क डन बनेगा वो कितना बनेगा बताओ, सी कितना है 2 माइक्रो फैरेड, तो इसे मैं बाहर लिख लेता हूँ 1/2 × 10^-6 ठीक है इंटू, अब ये क्यू स्क्वायर बाई टू आएगा तो इसका भी 2 यहीं पे लिख दू, 4 लिख दू इसे। यहाँ जो क्यू स्क्वायर बाई टू आएगा बेटा देखो, यहाँ जो क्यू स्क्वायर बाई टू आएगा इस 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पहले से 2 था। हाँ 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो अब जो इंटीग्रेशन करेंगे वो 10^-q² करेंगे 10^5 से 3 × 10^-5 तक है ना। तो जो हमारे पास बहुत बढ़िया जो हमारे पास वर्क डन आएगा वो कितना आएगा बताओ, 1/4 × 10^-6 ये वैसे ही रहेगा इंटू, ये क्या आएगा बेटा 9 − 1 × 10^-10 बोलो। हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को ना सर। बहुत बढ़िया। तो जो हमारा वर्क डन बना वो कितना बना बताओ, 9 − 1 कितना हो गया 8, 2 × 10^-4 2 × 10^-4 जूल, कितना जूल्स। हाँ सर तो मतलब वर्क डन की बात करोगे तो कितना होगा, अगर 10^6 बनाना है इसे तो 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दो तो क्या करोगे 2 × 10^-6 × 100 ऐसे करोगे ना। हाँ सर बहुत बढ़िया। तो मतलब हमारे पास ये किस में आ गया बेटा, ये जूल्स में है ना। हाँ माइक्रो जूल्स में आ गया सर। तो जो हमारा वर्क डन है वो कितना आएगा 200 माइक्रो जूल। बहुत समझ आई बेटा बात, अपने को नहीं आई बताओ। आ गई सर, जिन्होंने नहीं किया था उन्हें समझ आई है बात, हैंड रेस करके बताओ चलो मुझे जल्दी से।